नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का सवाल है. क्वेश्चन सेज द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट एफिशिएंटली इज, और चार ऑप्शन है हमारे. पहला है माइक्रोवेव्स आर हीट वेव्स सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग. दूसरा है इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इन द माइक्रोवेव. तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. चौथा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. नाउ अगेन ये थोड़ा सा बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आपके फंडामेंटल क्लैरिटी का सवाल है. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. मैं अब आपको यह समझाता हूँ कि आपका माइक्रोवेव जो है वो काम कैसे करता है. सो ये आपका जैसे माइक्रोवेव है, इस माइक्रोवेव में आपने बॉलाइट, ये आपका माइक्रोवेव है, यहाँ पे आपका बटन लगे हुए हैं एंड ऑल दैट सब. इस माइक्रोवेव में किसी बाउल में आपने खाना रख दिया अपना, ठीक है, गर्म होने के लिए, और आपने इसका बटन ऑन कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया. नाउ इस केस में आपकी जो माइक्रोवेव्स हैं वो आपका इस खाने को हीट करती हैं, ठीक है. सो होता है यहाँ पे, आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा कि जब भी जैसे मान लीजिए आपने गुलाब जामुन रख दिए, तो गुलाब जामुन जो है इसको जिस तरह से, या कोई दाल रख दी, तो माइक्रोवेव ये है उसको सेंटर से हीट करना चालू करता है, और उसके बाद यहाँ से हीटिंग उसकी आगे आगे जाके ऐसे होती है. कई बार ऐसा होता है कि गुलाब जामुन अगर आपका गर्म हुआ है, उसको आपने देखा तो बाहर से वो ठंडा लगता है, पर जैसे आप उसे मुंह में डालते हो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होता है. तो माइक्रोवेव क्या करता है, आपके वाटर बेस या जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनका वो वाइब्रेशन वो तेज़ कर देता है, और जो सेंटर से वो चालू करता है उनका वाइब्रेशन तेज़ कर देता है, और धीरे 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 वो एनर्जी पूरे उसमें रेप्लिकेट होती है, पूरे एनर्जी में, पूरे जो सब्सटेंस है आपका उसमें वो एनर्जी फैल जाती है. तो इस केस में माइक्रोवेव को एफिशिएंटली काम करने के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, विच सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा. तो वाटर मॉलिक्यूल की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अगर आपकी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है तो वह खाना आपका ज़्यादा एफिशिएंटली गर्म होएगा. इसी वजह से आपका वाटर बेस्ड जितना भी खाना है वो ज़्यादा अच्छे से गर्म होता है आपका. अगर वहाँ पर आप सॉलिड फूड रख देंगे जिसमें जो बहुत ड्राई है, वो माइक्रोवेव में उतना अच्छा गर्म इसलिए नहीं होता है.